जनपद में बच्चों की सुरक्षा के लिए 7 मार्च से चलेगा सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान। अभियान के सफल संचालन हेतु मीडिया कार्यशाला का आयोजन। जनपद मुजफ्फरनगर में आज जनपद के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 7 मार्च से मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के अंतर्गत 1182 सत्र प्लान किए गए हैं, जिनमें 8343 बच्चों का टीकाकरण तथा 3145 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया। मीडिया कार्यशाला में डॉक्टर एम के चावला संयुक्त निदेशक सहारनपुर मंडल द्वारा भी मीडिया बंधुओं को संबोधित किया गया। आज जो बुलाया है आप लोगों को, प्रेस के मीडिया बंधुओं को बुलाया है, वो इसलिए बुलाया है कि हमारा ये नियमित टीकाकरण कार्यक्रम जो चलता है उसमें जो 2 साल तक के छूट जाते हैं बच्चे जिनको कोई टीका नहीं लग पाया है और गर्भवती माताएं जिनको के टीडी के टीके नहीं लगे, वो एक सर्वे हमने करवाया था 5 दिन का 24 से 29 जनवरी, तो उनको अब ये जो है इसमें उन बच्चों को टीका लगाया जाएगा। और इसमें पूरे ज़िले में हमने 1182 सेशन बनाए हैं जिनमें के वहाँ ANM और वो वैक्सीन लेके जाएंगी और आशाएं घर से बच्चों को बुला के लाएंगी और उनको सभी बच्चों को कवर किया जाएगा। कब से कब तक चलेगा ये पहला अभियान? हमारा 7 मार्च से चल रहा है और फिर 4 अप्रैल से चलेगा और 1-2 मई, 3 चरणों में चलेगा। इसके लिए बच्चों को चिन्हित किया गया? हाँ, बच्चे चिन्हित हैं, वो पूरी लिस्ट है हमारे पास, सर्वे किया गया है। 8343 बच्चे हैं 2 साल तक के और करीब 3145 गर्भवती माताएं हैं।